देश में नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद बीते दिन ही मोदी सरकार की तरफ से इसे राज्यसभा में भी पास होने के बाद भारत में शरण लिए हुए लोगों में खुशी की लहर है। इस संबंध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक ए इंसाफ के पूर्व विधायक बलदेव कुमार नागरिकता संशोधन बिल लाए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे एक बढ़िया कदम बताया। बलदेव सिंह जो पिछले कई महीनों से भारत में रह रहे हैं, बेशक उनका नवंबर में वीजा खत्म हो गया था, इसके बावजूद भी वह भारत में शरण लिए हुए हैं। बलदेव सिंह ने इस बिल के पास होने पर कहा कि पिछले कई वर्षों पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि पड़ोसी देशों से आए लोगों के अभी तक नागरिकता नहीं मिली थी, यह बिल लाने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। इसके लिए मैं मोदी सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं। वह अब सरकार को चाहिए कि दूसरे देशों से आए नागरिकों के लिए यहां रोजगार की व्यवस्था भी की जाए, ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बलदेव जी, जो कल बिल पास किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत खुशी हुई, बल्कि पाकिस्तान से जो आए हैं, जो बांग्लादेश से, काबुल से जो लोग फंसे हुए थे, तकरीबन 12-12 साल, 20-20 साल हो गए, उनको शरण नहीं मिली, नागरिकता नहीं मिली थी, ठीक है। बहुत खुशी हुई, बल्कि मैं मोदी सरकार का धन्यवाद हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बिल पास करवा के असम्बली में भी पास हो गए। और मेरा ख्याल है कि उन लोगों की अब मदद भी की जाए, क्योंकि वो लोग बेसहारा बैठे हैं। क्योंकि बाज़ लोग इस तरह हैं, जिस तरह मैं अपना भी कह सकता हूं कि मैं वहां MLA था, वहां मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं, यहां पर जो है उन लोगों की मदद भी की जाए। क्योंकि बाज़ लोग ड्रामे बना रहे हैं पाकिस्तान में कि ये लोग वहां जाके ख्वार हो जाएंगे, तंबुओं में लोग कुछ बैठे हुए हैं, हमारे सिंध से जो वीर आए हैं वो लोग तंबुओं में बैठे हुए हैं, जिस तरह मैं हूँ। मेरी वाइफ अभी अपने माँ बाप के घर रह रही है, मैं इधर रह रहा हूँ, अलहदा रह रहा हूँ। ये चीज़ें जो है, क्योंकि खर्चे बर्दाश्त नहीं हो रहे, जो कुछ था हमारे पास वहाँ छोड़ के आए। क्योंकि मैंने उस दिन भी एक बंदे को कॉल की, मेरे उनके पास पैसे थे, तो मुझे कहता है वापस आ जा, मैं तेरा पैसे भी दे दूंगा। वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी सरकार का। रिस्पॉन्स अभी तक आया या नहीं है? नहीं, मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स वगैरह कुछ उसका नहीं आया। और ये है कि SSP ऑफिस में पड़े हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है, वो प्रोग्रेस, क्योंकि वो एजेंसियों के थ्रू होगा। क्योंकि मेरे ऊपर कोई इस तरह इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं पाकिस्तान से कि इसको हमने एजेंट के थ्रू भेजा है, बहुत सारी इस तरह बातें आई हैं, तो उसी वजह से हो सकता है शायद एजेंसी अपने क्लियरेंस करे, इसी वजह से रोका हो। नहीं, वीजा भी खत्म हो चुका है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही कोई पुलिस और प्रशासन की तरफ से? आपको यहाँ काम भी कर रहे हो, आपको काम करने में दिक्कत आ रही है? हाँ, काम में ये दिक्कत आ रही है कि बाज़ लोग, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के वसादत से, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग फिर भी आए और मुझसे पूछा, क्योंकि बहुत मसले मेरे लिए तो हकीकत है ये बन रहे हैं। क्योंकि बाज़ जगह में काम नहीं मिल रहा, कोई अच्छी जॉब वगैरह के लिए बंदा अप्लाई करे तो वो लोग डरते हैं कि ये पाकिस्तान से आए, अभी इसको या जॉब दें या ना दें, है मुश्किल बहुत हैं उसमें। तो जी, इस बिल के आने से आपको क्या लगता है, कितना आपको सुविधा होगी? बहुत खुशी हुई बिल की वजह से, तो मैं कह रहा हूँ कि वाहेगुरु जितनी भी खुशियाँ हैं वो सब दे दें इनको, जो बिल पास कर दिया इन्होंने। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी, जोड़े आप जी ने सुने पंजाब ते देश नाल, हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी। हुण तुहाड़ी 10वीं ते 12वीं तो बाद नौकरी दी चिंता खत्म। ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड नाल सम्मानित पटियाला दी स्वरोजगार प्रदान करवाउन वाली पहली अते सब तो पुरानी संस्था गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ISO प्रमाणित पंजाब दा नंबर एक इंस्टीट्यूट। संपर्क करो गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेन रोड फैक्ट्री एरिया नियर शिव मंदिर पटियाला, पंजाब।